याद करिए 1990 का दौर, भजन गायकी में जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता था वह अनुराधा पौडवाल का ही था। आज भी भक्ति गीतों में जिस फीमेल सिंगर की आवाज़ को लोग सबसे ज़्यादा याद करते हैं वह अनुराधा ही हैं। अनुराधा पौडवाल की निजी जिंदगी भी त्रासदी से भरी रही, लेकिन कभी भी वह भक्ति से दूर नहीं गई। पहले पति छिना, फिर प्रेमी और फिर नौजवान बेटा। वक्त के थपेड़े झेलती अनुराधा ने जीवन का सफ़र आगे बढ़ाना जारी रखा। सालों पहले उनके एक इंटरव्यू में बताया गया था कि उनके फ़ोन की रिंगटोन आज भी मंदिर की घंटी वाली है। हर सुबह घर पर हवन होता है और निवास भी मानो किसी मंदिर जैसा है। कई लोगों के लिए अनुराधा देवी के समान हैं। आज अनुराधा पौडवाल का जिक्र इसलिए क्योंकि 27 अक्टूबर 1954 को ही अनुराधा का जन्म हुआ था। आज हम उनकी ज़िंदगी को करीब से जानेंगे झरोखा के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1954 को हुआ था। उन्होंने कई सुपरहिट गानों को अपनी आवाज़ से सजाया है। अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म अभिमान से की थी। इसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी ने मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्हें पहचान मिली साल 1976 में रिलीज हुई निर्देशक सुभाष घई की फिल्म कालीचरण से। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक समय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल गायिका बन गई। पौडवाल को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। पौडवाल पहली बार एक माइक्रोफोन के सामने तब गईं जब उन्होंने शिव श्लोक गाया था। यह एसडी बर्मन का कंपोज किया हुआ श्लोक था और फिल्म थी ऋषिकेश मुखर्जी की अभिमान। 1981 में अनुराधा पौडवाल एक ज्योतिष से मिली थी जिसने तब कहा था कि वह भक्ति संगीत में एक क्रांति लेकर आएंगी। अनुराधा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनकी फिल्म हीरो हिट हुई तब उन्हें और भी गाने मिलने की उम्मीद थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के हालात बदल चुके थे। मल्टी स्टार कास्ट फिल्में बन रही थी और बहुत ही कम सिंगल या ड्यूट सॉन्ग उनमें शामिल होते थे। वह इन सब से खुश नहीं थी और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने पर विचार करने लगी थी। फिर वह कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर गई। माँ से प्रार्थना का परिणाम ऐसा हुआ कि इसके तुरंत बाद पौडवाल को एक कैसेट लॉन्च में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, जहां गुलशन कुमार के पिता चंद्रभान कुमार ने उन्हें टी सीरीज के लिए गाने को कहा और इसके बाद जो कुछ हुआ वह इतिहास बन गया। उन्होंने 1990 में आशिकी और दिल, 1991 में दिल है कि मानता नहीं और साजन, और 1992 में बेटा की अपार सफलता के साथ उस शिखर को छुआ था जिसके लिए वह तरसती थी। उन्होंने बताया था कि उनकी पहली भेंट यानी देवी गीत आऊँगी अगले बरस में आऊँगी जब दिल्ली में रिलीज हुआ तो एक घंटे में 90,000 से ज़्यादा कैसेट बिक गए थे। अनुराधा पौडवाल ने बताया था कि जिन वैष्णो देवी पर यह गीत था वह तब तक उनके मंदिर भी नहीं गई थी। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि जयकारे लगाते कैसे हैं, लेकिन इस गाने के बाद जब उन्हें भक्ति गीतों के बाजार का एहसास हुआ तब वह HMV पॉलीडोर म्यूजिक इंडिया के पास भी पहुंची, लेकिन वहां से उन्हें यही कहा गया कि भजन का कोई भी बाजार नहीं है। अनुराधा पौडवाल उन प्रमुख गायिकाओं में से एक हैं जिन्होंने 90 के दशक में लगभग सभी हिट कमर्शियल फिल्मों में काम किया। गुलशन कुमार के साथ अनुराधा पौडवाल के रिश्ते के बारे में खबरें खूब पढ़ी जाती हैं। इन अटकलों पर दोनों ने कभी भी सफाई नहीं दी। हालांकि अनुराधा पौडवाल दिग्गज कंपनी टी सीरीज के साथ करीबी से जुड़ी रहीं और उन्होंने हमेशा अपने करियर में योगदान के लिए गुलशन कुमार की तारीफ भी की। टी सीरीज के तब के मालिक गुलशन कुमार की जुहू के जीत नगर में एक मंदिर से बाहर निकलते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अनुराधा की शादी अरुण पौडवाल के साथ हुई थी। अरुण SD बर्मन के असिस्टेंट थे और खुद भी एक म्यूजिक कंपोजर थे। दोनों के दो बच्चे आदित्य और कविता हुए। अरुण पौडवाल की जब अचानक मृत्यु हुई तो अनुराधा अकेले पड़ गई थी। वह अकेले ही बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही थी। इसी के बाद उनकी मुलाकात गुलशन कुमार से हुई। अकेली हो चुकी अनुराधा को गुलशन ने सहारा दिया और वह उनकी ओर झुकती चली गई।
माना जाता है कि टी सीरीज के मालिक दिवंगत गुलशन कुमार ने ही अनुराधा की तलाश की थी। ऐसा कहते हैं कि गुलशन कुमार उन्हें दूसरी लता मंगेशकर बनाना चाहते थे। वह दौर ऐसा था कि अनुराधा की आवाज़ लता से मेल खाने की वजह से लोग अनुराधा को ही दूसरी लता मानने लगे थे। यहाँ तक कि संगीतकार ओपी नैयर ने उस वक्त कह दिया था कि लता का दौर अब ख़त्म हो चुका है। गुलशन कुमार ने ही अनुराधा को एक के बाद एक कई गाने दिए, जिन्हें गाकर अनुराधा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गईं। इसी बीच दोनों के बीच अफेयर की खबरें भी चर्चा में रही, लेकिन दोनों ने कभी भी इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा। जिस वक्त अनुराधा को इंडस्ट्री की अगली लता कहा जा रहा था, तब तकदीर ने उनके हिस्से में शायद कुछ और ही लिख डाला था। अनुराधा ने इसी वक्त टी सीरीज और गुलशन से लगाव की वजह से ऐसा फैसला कर लिया, जिससे उनके करियर ने एक यू टर्न ले लिया। अनुराधा जब अपने करियर के उफान पर थी, तभी उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया था कि अब वे सिर्फ टी सीरीज के लिए ही गाएंगी। यही फैसला उनके करियर के लिए एक लक्ष्मण रेखा बन गया। 80 और 90 के दौर में तीन चीज़ों ने दिलों पर राज किया। पहली रोमांटिक प्रेम कहानियों ने, दूसरी दिल को छू लेने वाले गानों ने, और तीसरा अलका याग्निक की आवाज़ ने। अनुराधा के फैसले का फ़ायदा सीधा मिला अलका याग्निक को। सालों बाद गुलशन कुमार की हत्या से अनुराधा टूट गई। जिस अलका याग्निक को करियर में बढ़त अनुराधा पौडवाल के फैसले से मिली, एक इंटरव्यू में वह अलका याग्निक अनुराधा पौडवाल पर हमलावर दिखाई दी थी। अलका याग्निक ने दिग्गज गायिका अनुराधा पर उनके गानों की डबिंग करने का आरोप लगाया था। 1997 के फिल्मफेयर एडिशन में अलका ने कहा था कि पौडवाल ने उनके गाने दिल की कलम से, ये इश्क बड़ा बेदर्दी है। अलका ने सीधे शब्दों में कहा था कि उनकी हिम्मत कैसे हुई, अनुराधा बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती हैं। चलते चलते 27 अक्टूबर को हुई दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1974 गणितज्ञ सीपी रामानुजम का निधन हुआ। 2001 अभिनेता प्रदीप कुमार का निधन हुआ। 1605 मुगल शासक अकबर का फतेहपुर सीकरी में निधन हुआ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई किस्सा इस शो में हम शामिल करें, तो हमें लिख भेजें mukesh@editorji.com पर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का किस्सा हम इस शो में शामिल करें। मिलता हूँ अगली बार एक नए शो में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।